हेलो व्यूवर्स दृष्टि के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज पे, पेपर्स और न्यूज पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से महत्वपूर्ण है उन्हें देखते हैं डी एस हम आशा करते हैं दृष्टि तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एनालिसिस प्रिय व्यूवर यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है

मुख्यतः सेक्शन जैसे इंडियन एग्रीकल्चर और उसमें भी मेजर क्रॉप्स क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री डिफरेंट टाइप ऑफ इरीगेशन इरीगेशन सिस्टम्स स्टोरेज ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इशूज एंड रिलेटेड कॉन्सट्रेंट्स ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स इशूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस इत्यादि सेक्शन से जोड़ करके देख सकते हैं आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु वर्ष दो हजार इक्कीस के लिए उर्वरक सब्सिडी के मद में बजट में पहले से निर्धारित इकहत्तर करोड़ से पैंसठ करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटन करके नरेंद्र मोदी सरकार ने दो बातों को सुनिश्चित किया है देखिए हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक स्पेशल आवंटन किया है पैंसठ करोड़ का ओके ये जो अतिरिक्त आवंटन है ये उस इकहत्तर करोड़ के अलावा है जो कि इस साल के बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर रखा गया था ये इनिशिएटिव लेने के बाद सरकार ने दो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सुनिश्चित कर लिया है पहला चालू वित्तीय वर्ष की जो 80 से पचासी हजार करोड़ की जो अनुमानित सब्सिडी आवश्यकता थी उसको पूरी तरीके से कवर कर लिया गया है दूसरी चीज पिछला जो बकाया था फर्टिलाइजर कंपनीज का उस बकाया वो लगभग अड़तालीस हजार करोड़ के आसपास का था उस बकाया की भी जो सब्सिडी ड्यूज थे वो पूरा का पूरा पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर दिया गया है मतलब कि सरकार ने पुराने जितने आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स थे सब पे कर दिए हैं अब उर्वरक आयु उद्योग के सभी बकाया भुगतान के बाद जो सीन बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है कि ये बहुत मोटिवेटिंग है खासतौर से उस समय जब सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसी योजनाएं लेकर के आ रही है ये जो योजना बताई जा रही है ये कुछ इस प्रकार की योजना होगी जहां पे सरकार ने अगले पांच वर्षों में कुल दो लाख करोड़ रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान करके विनिर्माण मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको इंप्रूव करने की बात यहाँ पे हो रही है जब इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं जैसा कि सरकार ने लिया कि फर्टिलाइजर उद्योग में जितना बकाया था सब कुछ पे कर दिया तो इस तरीके के कदम जो है वो निवेशकों को मोटिवेट करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए कि सरकार जो है वो अपने कहे हुए कमिटमेंट्स को पूरे तरीके से फुलफिल कर रही है वर्तमान में उर्वरक कंपनियों को अपने उत्पादों को उनकी उत्पादन लागत या आयात वैसे कम पर बिक्री करने के लिए विवश किया जाता है यदि सरकार मूल्य में अंतर का सब्सिडी के रूप में पूर्ण भुगतान नहीं करती है तो अन्य क्षेत्र के निवेशक भी वादा किए गए प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्राप्त नहीं होने जैसी स्थितियों के लिए चिंतित हो सकते हैं देखिए यदि हाल की सिचुएशन की हम लोग बात करें तो सिचुएशन ऐसी है कि जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स को जितनी लागत उनकी लगी है उससे भी कम दाम पर बेचना पड़ता है और यदि सरकार जो बकाया राशि है सब्सिडी के तौर पे जो दिया जाना चाहिए सरकार की ओर से यदि उसको देने में देरी करती है या अतिविलंब करती है तो ये देख करके बाकी जो क्षेत्रों के निवेशक हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल आ जाएगा वो डर का माहौल कुछ ऐसा होगा कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो तो सरकार का ये जो कदम था ये बहुत ही सराहनीय कदम है कि इसने आने वाले समय में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मोटिवेट किया है यदि मैं वर्तमान परिदृश्य के बारे में बात करूं तो अब जब उर्वरक सब्सिडी बकाया की समस्या को सुलझा लिया गया है तो मोदी सरकार को अगले सुधार पर ध्यान देना चाहिए देखिए अब ये जो बकाया राशि वाला मैटर था इसको तो क्लोज कर दिया है सरकार ने अब सरकार को क्या करना है अब सरकार को बाकी क्षेत्रों में भी कदम उठाने चाहिए जैसे कि ये जो नीम कोटिंग यूरिया जो सब्सिडाइज होता है उसमें जो हेराफेरी हो रही है उसको सजग तरीके से पकड़ा जाए कैसे किया जा सकता है सरकार ये कर सकती है कि सरकार कंपनीज को जो बना रही हैं यूरिया उनका पेमेंट तभी हो जब कंपनियों द्वारा दिया गया डाटा जिसमें यह कहा गया है कि इस, इस किसान को इतना इतना यूरिया दिया गया है और उसका प्रमाण हमारे पास बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन के थ्रू हो या फिर सरकार सिंपल सा ये भी तरीका इस्तेमाल कर सकती है कि जितने नंबर ऑफ बैग्स थे उतने नंबर ऑफ बैग्स की बिक्री पे हम लोग एक तरीके से योजनाबद्ध तरीके से कि भैया निर्धारित कर लिए हैं हमने बोरियां कि एक व्यक्ति इससे ऊपर नहीं खरीद सकता इतना ही उसको मिलेगा ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसको लिया जा सकता है लगभग एक दशक पहले शुरू की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी एक अच्छा कदम था एक अच्छा कदम था इसके तहत किसी भी उर्वरक पर सब्सिडी उसके अनिर्हित पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटैश सल्फर जिंक और बोरॉन से समृद्ध होती है अब यदि हम लोग बात करते हैं इस योजना की जिसको हम लोग पोषक तत्व तो आधारित सब्सिडी बात कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको लेना जरूरी है अब ये था क्या देखिए जब हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजर्स के संदर्भ में तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि फर्टिलाइजर्स जो हैं देखिए यदि है, फर्टिलाइजर्स के संदर्भ में बात करें तो फर्टिलाइजर्स को लगभग तिहत्तर हजार करोड़ सब्सिडाइज हम लोग अमाउंट जो है या फिर यही अमाउंट को अगर जीडीपी के संदर्भ में देखें तो लगभग जीरो पॉइंट फाइव परसेंट जी का वो दिया जाता है लेकिन इसमें से होता क्या है कि मात्र सत्रह हजार पाँच सौ करोड़ या फिर आप कह सकते हैं टोटल आवंटित जो अमाउंट है उसका मात्र पैंतीस परसेंट ही किसानों तक पहुंच पाता है कारण उसके पीछे बहुत सारे हैं जैसे कि कालाबाजारी या फिर बोल सकते हैं बड़े फार्मर्स जो है बड़े किसान वो ज्यादा मात्रा में खरीद लेते हैं और भी कई सारे इश्यूज़ हैं अब इसी इश्यूज़ को समझते हुए कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव लिया गया जिसको हमने कहा न्यूट्रिएंट बेस सब्सिडी अब यहाँ पे ये यह हुआ कि जो सब्सिडी जो थी वो न्यूट्रिएंट कंटेंट जो होगा फर्टिलाइजर में उसके आधार पे दी जाएगी माने यदि सरकार ने ये डिसाइड किया कि सौ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी एक किलो पोटैश पर और यदि एक अगर हम लोग बात करें कि एक फर्टिलाइजर जिसमें पोटाश की मात्रा उपलब्ध है एक किलो उसकी कीमत यदि एक हजार रुपये है सौ रुपए की सब्सिडी पोटाश के ऊपर मिली मतलब तो उसको नौ सौ रुपये में बेचा जा सकता है तो यहां पे यह बात हो गई न्यूट्रिय बीज सब्सिडी की तो ये लगभग सादे के सादे पोषक तत्वों के लिए था लेकिन यूरिया को इस न्यूट्रिय बीज सब्सिडी के दायरे से बाहर रखा गया अभी भी सरकार ही जो है वो यूरिया का मैक्सिमम रिटेल प्राइस वो तय करती है और अप्रैल 2010 से लेकर के अब तक मात्र 11% की वृद्धि हुई बेस स्कीम है उसने ये मौका दिया कि भाई यूरिया का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा है अब जब यूरिया ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो उससे हुआ क्या जो सॉइल है जो मृदा है उसके जो पोषक तत्व है उसमें एक तरीके का असंतुलन आ गया और उसकी वजह से जो कंडीशन थी सॉइल की वो काफी खराब हो गई अब आगे के रास्ते की यदि हम लोग बात करें तो मोदी सरकार को सर्वप्रथम ये कदम लेना चाहिए कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत यूरिया को शामिल किया जाना चाहिए इससे हो और साथ ही साथ जो अधिकतम खुदरा मूल्य है उसको पांच प्रति टन से बढ़ा करके नौ प्रति टन करना होगा और ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है ऐसा करने का राजनीतिक रूप से कुशल तरीका यह होगा कि साथ ही साथ अन्य पोषक तत्वों की न्यूट्रिय बीज सब्सिडी दरों में भी वृद्धि की जाए और इस प्रकार गैर यूरिया उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य में कमी लाकर उनके उपभोग को प्रोत्साहित किया जाए देखिए जरूरी यह है कि सरकार मोटिवेट करे कि ये जो गैर यूरिया उर्वरक हैं उनका कंजम्पशन जो है वो ज्यादा हो रहा है ठीक है उनकी जो एमआरपी है उसको घटाया जाए और ये मोटिवेट किया जाए कि उनका जो कंजम्पशन है वो ज्यादा हो तभी इस चीज को हम लोग सही तरीके से अचीव कर पाएंगे तो व्यूवर्स ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस यदि आज के एडिटोरियल से संबंधित प्रश्न पूछें तो कुछ ऐसा SI एक प्रश्न बन सकता है कि उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी से समृद्ध आर्थिक और पर्यावरण निहिता को देखते हुए भारत में समग्र उर्वरक सब्सिडी नीति पर पुनर्विचार की तत्काल आवश्यकता है चर्चा कीजिए तो व्यूवर्स ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस आई होप आप सभी को ये एनालिसिस बहुत पसंद आया हो धन्यवाद